चलिए नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मैं हर्ष तिवारी आपका बड़ा भाई आपके सामने आ चुका हूं देखिए साथियों आज थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो गया था क्या करें सर क्या करें अब ये दुनिया हमें रोकने का प्रयास करती है लेकिन हम तो भी आ जाते हैं बड़ी समस्या थी नेटवर्क की आज बड़ी समस्या थी टेक्निकल लेकिन तो भी तुम्हारा बड़ा भाई सभी समस्याओं को निकाल कर तुम्हारे पास आ चुका है तुम्हें तो बढ़ाने के लिए ठीक है चलो तो मेरे सभी छोटे भाई बहनों का स्वागत है इस बहुत ही शानदार प्यारे से परिवार में तो आप सभी का स्वागत है साथियों दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ देखिए मेरे एप्लीकेशन वाले विद्यार्थियों से बच्चे आज भी हमारी ये जो डेमो क्लास है ये यूट्यूब पर लाइव चलेगी मतलब आज भी हमारी जो एप्लीकेशन वाली क्लास है इट इज ऑलवेज बी ऑन इट इज गोइंग टू बी लाइव ऑन द दूट्यूब ठीक है इसका मतलब यह है कि ये आप देख पाएंगे हमारे जो YouTube के स्टूडेंट्स कि कितना कितना तो, <coughs> स्वागत है पहले जल्दी से बताइए प्रॉपरली आपको सुनाई दे रही है इज आई एम प्रॉपरली ऑडिबल क्या मेरी बेटा आवाज प्रॉपरली आ रही है जल्दी से बताइए सबके सब कॉमेंट सब के अंदर और फिर हम करते बेटा क्लास की शुरुआत बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो हम आपको देखे सीधे सीधे बता रहे और टेंशन मत लो देखो बेटा सुनो आज जो हाँ एल पी का पेपर बेटा एल पी का जो यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है ना अभी उसमें एग्जाम डेट कंफर्म नहीं है तो, मैं जो मैं तो आप पढ़ो आराम से क्यों एग्जाम डेट कंफर्म नहीं है तो आप ये मांग के चलना बेटा कि तुम्हारे एग्जाम से पहले तुम्हारे एग्जाम से पहले तुम्हारा बड़ा भाई साइंस को करवा भी देगा और साइंस का रिविजन भी करवा देगा तो इस बार ये मांग के चलना कि जो बच्चे एल पी का फॉर्म भरने वाले हैं उनके बीस में बीस आएंगे यदि वो इस परिवार का हिस्सा है तो क्योंकि आपको इतनी बढ़िया तैयारी कराने वाला हूँ कि आप दिल खुश है तुम्हारा तुम्हारा दिल वास्तव में खुश हो जाएगा कि भैया मजा बांध दिया सच में इससे पहले हमने इतनी शानदार तैयारी शायद इससे पहले कभी ही की हो या इससे पहले इतना शानदार कभी पढ़ा हो ठीक है चलो चलो शुरू करते हैं बेटा क्लास को बहुत ही बढ़िया तरीके से चलो हम क्या करने वाले हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से अब देखो सिल्लो सबके बीच सब। में आप कोई कमेंट मत करना अब आपको सीधे पढ़ेंगे उसके बाद शाम के मतलब एक घंटे बाद जब ये क्लास खत्म होने वाली होगी तब आपकी जो भी समस्या है वो सारी सारी समस्याओं का मैं समाधान यहाँ पे कर दूंगा ठीक है अब आपकी जो भी समस्या है देखिये बच्चे समस्याओं का समाधान मैं कर दूंगा आप पहले यहाँ पे बैठा पढ़ो आराम से तो सभी को राधे राधे सभी को प्यार भर नमस्कार

तो बेटा अभी हमारी जो आने वाली है, 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 तैयारी तो करना शुरू कर दो ठीक है तो हमारा आर इंडिया की बेस्ट टीम है जो मिलने वाली है साथ ही साथ यदि आप सिर्फ और सिर्फ साइंस फाउंडेशन को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साइंस फाउंडेशन वाले बैच में भी आ सकते हैं तो चलिए बेटा शुरू करते हैं आज की बहुत ही शानदार प्यारे क्लास को हमारे पहले कंसेप्ट के साथ में चलिए ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है आ, सब चीजें क्लियर है ठीक है भैया अब देखो भैया छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे जरा समझना देखो बेटा मैंने कल की क्लास में क्या पढ़ाया था आपको तो मैंने कल की क्लास के अंदर यहाँ पे आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए थे कि किस प्रकार से हमारी कोशिकाएं होती हैं किस प्रकार से कोशिका सिद्धांत दिया गया था जिसको तो और दूसरे कौन है स्वान्न है लेकिन स्लाइडन और स्वान की यहाँ पे सेल थ्योरी में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उन्होंने ये बताया कि सेल बन सेल में होता क्या ये सब बता दिया सेल कैसी है नई सेल का निर्माण कैसे होता है तो बाद में इन सबको बेटा बताने वाले व्यक्ति थे कौन से वृचौ और को हम जब कहते हैं तो वृचो को क्या कहा जाता है तो वीरचो को साथियों कहते हैं इनका पूरा नाम है रूडोफो जिनको सिंपल सी भाषा में कहा जाता है द फादर ऑफ पैथोलॉजी ये सब मैंने आपको पिछली क्लासेस में बहुत अच्छी तरह से बता दिया था बहुत बढ़िया तरीके से समझा भी दिया था चलो अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और मैंने आपको ये भी बताया था कि हम जब बात करेंगे जरा समझना छोटा सा पॉइंट है तो मैंने ये भी बताया था कि कोशिकाओं में सबसे छोटी जो कोशिका होती है साथियों उसे क्या बोलते हैं माइक्रोप्लाज्मा कहते हैं आपको बताओ, को एक नाम दिया जाता है शायद कभी पढ़ा हो ना पढ़ा हो मुझे पता नहीं है लेकिन माइको को साथियों प्रकृति का जोकर भी बोलते हैं इसे बोलते हैं द जोकर ऑफ द नेचर ये क्वेश्चन कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए हंसी मजाक में कभी कभी क्वेश्चन आ जाए देखिए ऐसे अटपटे क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है कोई बड़ी बात नहीं है तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ जाए कि किसे कहा जाता है द जोकर ऑफ द नेचर प्रकृति का जोकर जोकर किसे कहते हैं ये जोकर, yes, जोकर वही राजा रानी जोकर वाला जोकर तो प्रकृति का बेटा जोकर यहां पे कहा जाता है किसे माइकोप्लाज्मा को जो संभवता हमारे प्रकृति के अंदर पाए जाने वाली सबसे छोटी कोशिका भी होती है इसी तरह से मैंने पढ़ाया था कि सबसे बड़ी सबसे लंबी सॉरी सबसे, सबसे लंबी जो कोशिका बेटा मिलती है वो मिलती है तंत्रिका तंत्र की जिसको हम सिंपल सी भाषा में न्यूरॉन्स बोलते हैं। नहीं बच्चे कौन सी होती है यहाँ पे तंत्रिका तंत्र की होती है इसी तरह से मैंने बताया था बच्चे की मानव शरीर में मतलब मानव की हम जब बात करते हैं ह्यूमस की हम बात करेंगे तो मानव शरीर में सबसे बड़ी जो कोशिका है वो अंडाणु है जो महिलाओं में पाई जाती है पुरुषों में बेटा अंडाणु

तो हम पिछली क्लासेस में यहाँ तक का सारा का सारा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ चुके थे बहुत ही बढ़िया तरीके से अब चलिए शुरू करते हैं साथियों हमारी कोशिका संरचना के बारे में सो टूडे वी हैव द सेल स्ट्रक्चर कि हमारी कोशिका की संरचना किस प्रकार की होती है क्या क्या कोशिका की संरचना में पाए जाते हैं और किस प्रकार से देखिए बेटा यहाँ पे कोशिकाओं के अंदर चीजें हैं जो मिलती है ठीक है अब जरा यहाँ पे सुन लो सबके सब बेटा सब, जो भी तुम्हारी समस्या है एल पी संबंधी हम बाद में पढ़ लेंगे क्योंकि बेटा ये क्लास ना एप्लीकेशन पे हमेशा रहने वाली है तो एप्लीकेशन वाले बच्चों को दिक्कत ना है इसके लिए कभी इसलिए हम जो भी समस्या है बेटा बाद में पढ़ेंगे तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ में टेंशन ना लो तुम्हें पढ़ाने के साथ साथ तुम्हारी सारी सारी समस्या हमने अपना ली है ये परिवार से पढ़ाने तक तो सीमित नहीं है तुम्हारी सारी सारी समस्या का समाधान भी करेगा लेकिन अभी हमारी जो प्राथमिकता बेटा किस पे है पढ़ने पर है तो पहले पढ़ते हैं हम लोग अब जरा यहाँ पे देखिए ना से अगर हम कोशिका के संरचना की बात करें सो so, टुडे अगर हम बात करते हैं बच्चे सेल स्ट्रक्चर के बारे में कि सर सेल की स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या होती है किस प्रकार से होती है और सेल के स्ट्रक्चर में क्या क्या पाया जाता है हम उनकी बात जरा समझते तो कोशिकाओं के बारे में बेटा ये कहा जाता है कि हमारी कोशिकाओं के अंदर बहुत सारे छोटे 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 छोटे, छोटे भाग पाए जाते हैं और इन छोटे छोटे भागों को बच्चे कहते हैं कोशिकांग क्या बोलते हैं कोशिकांग बोलते हैं आप देख पाएंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल की जैसे एक बहुत बड़ी कोशिका है नजर आने वाली है अब इस कोशिका के अंदर आपको छोटे 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 छोटे, -छोटे भाग मिलेंगे और इन छोटे छोटे बड़े भागों को हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स क्या बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं और जीवन संबंधी जितने भी कार्य किए जाते हैं मतलब कोशिका के अंदर होने वाले जितने भी कार्य है जो जीवन संबंधी कार्य होते हैं वो सारे के सारे जीवन संबंधी कार्य इन्हीं छोटे छोटे कोशिकांग में किए जाते हैं किसी को पावर हाउस कहा जाता है किसी को बेटा सफाई कर्मचारी कहा जाता है कोई यहाँ पे हमारे शरीर कोई कोशिकाओं के अंदर यहाँ पे प्रोटीन का निर्माण करेगा कोई प्रोटीन का सिंथेसाइज करने वाला है तो ये सारे के सारे जीवन संबंधी कार्य है जो किए जाते हैं कोशिकाओं के अंदर और कोशिकाओं के अंदर इन छोटे छोटे कार्य को करने वाले तत्वों को या कणों को क्या बोलते हैं कोशिकांग बोलते हैं जिनको अंग्रेजी में साथियों कहा जाता है सेल ऑर्गेनल्स क्या बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं अब हम जब बात करेंगे

दूसरा देखिए बच्चे कौन सा कोशिका द्रव्य है जिसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है और तीसरा है हमारा केंद्रक जिसको हम सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं न्यूक्लियस कहते हैं अब ये होता क्या है किस प्रकार से होता है इस छोटे से डायग्राम से देखिए बहुत प्यारा डायग्राम है जो आप यहां पे देख पाएंगे आप यहां पे सबसे सिंपल डायग्राम बनाइए सबसे सिंपल डायग्राम समझ लो मतलब इससे सिंपल डायग्राम कुछ हो ही नहीं सकता देखिए सुनो बच्चे सबके सभी को ध्यान से

पाए जाने वाले जितने भी कोशिकांग होते हैं वो सबके सब, सब किसके अंदर आते हैं तो वो सबके सब बेटा पाए जाते हैं कोशिका झिल्ली के अंदर तो कोशिका झिल्ली यहाँ पे पाए जाने वाली छोटी सी लेयर होती, होती है पतली सी लेयर होती होती है है पतली सी परत जो कोशिका की बाहरी संरचना का निर्माण करती है समझ आया आप ऐसा समझिए छोटा सा पॉइंट है फॉर एग्जाम्पल कि आपने कभी नोटिस किया होगा आपने भी कभी गुब्बारा फुलाया बिल्कुल फुलाया भैया एक काम करो बेटा तुम लोग छोटा सा गुब्बारे में पानी भर लो भर दिया भैया गुब्बारे में पानी भरने के बाद पानी गुब्बारे के अंदर ऐसे वैसे तैरता रहेगा मतलब लौटता रहेगा और गुब्बारे का जो स्ट्रक्चर है जो शेप साइज है वो उसके अकॉर्डिंग ही बदलता रहता है तो पानी जो भरा पड़ा है वो बाहर नहीं निकल पा रहा क्यों नहीं निकल पा रहा क्योंकि हम जब बात करेंगे साथियों तो पानी जो बाहर निकलता नहीं है क्यों नहीं निकलता क्योंकि पानी इसलिए बाहर नहीं निकलता क्योंकि उसके चारों तरफ एक लेयर है जो मिलने वाली है और जो लेयर जाती बोलते हैं। तो कोशिका के अंदर भी सारे जो कोशिकांग होते हैं वो सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स बच्चे यहाँ पे कोशिका झिल्ली के अंदर ही पाए जाते हैं तो कोशिका की बाहरी परत का जो निर्माण किया, किया जाता है वो किसके थ्रू किया जाता है तो वो यहाँ पे किया जाता है किसके थ्रू तो बेटा वो यहाँ पे किया जाता है कोशिका झिल्ली के थ्रू क्लियर सारी बातें अब जरा यहां पे देखिए ध्यान ध्यान से से बेटा सुन तो लो आपको मैं सारी बातें लिख के ही पढ़ाऊंगा लेकिन आपको ये बात सुनो ध्यान से छोटे बच्चों नहीं है जिनको लिख लिख के हर हाँ चीज पढ़ाई जाए आपको मत बताओ देखो मैं मैंने कल भी शायद एक बात कही थी तुम थे नहीं या आज नहीं थे मुझे पता नहीं है मुझे ना पहले तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाना है तो कॉन्सेप्ट तो बेटा समझाना पड़ेगा बाकी बेटा मैं लिख के ही पढ़ाता हूँ हर चीज में लिख के ही पढ़ाता डोंट वरी टेंशन ना लो ठीक है चलो जल्दी से बताओ मुझे कमेंट के अंदर यहां तक कि की बात पूरी क्लियर की नहीं है चलो आ, वो मेरी बात को बेटा हमेशा याद किया करो बहुत काम आने वाली ठीक है पेशेंस को बेटा सब चीजें हो जाएंगी का टेंशन ले रहे का मर रहे तुम लोग यार इतना बस मरते रहते हो देखो सबके सब चलो अब हम देखिए चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट के बारे में को जरा समझना छोटा सा पॉइंट देखिए तो हमने क्या किया बेटा यहाँ पे कोशका झिल्ली का निर्माण करा दिया अब इस कोशका झिल्ली के अंदर देखिए यहाँ पे एक लिक्विड है एक तरल अवस्था में यहां पे द्रव्य पाया जाता है और इसी तरल अवस्था में पाए जाने वाले बेटे द्रव्य को हम सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं साइटोप्लाज्म बोलते हैं

एक्चुअल में देखा जाए तो कोशिका का का खत्म खत्म होना मतलब केंद्र का हो जाना आपको कि कोशिकाओं में और में होता है उसी तरह से परमाणु के अंदर भी यहाँ पे केंद्रक पाया जाता है क्या बात करो भैया अच्छा, तो कोशिका का केंद्रक और परमाणु का केंद्रक दोनों एक है नहीं है नहीं है मैं वही तो बताना चाहता हूं कोशिका बेटा हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है मतलब जो जैविक तत्व होते हैं जो जैविक पदार्थ होते हैं जिनमें जीवन रहा हो या जीवन जिनमें जीवन, जीवन हो उसमें कोशिका पाई जाती है जबकि नॉन लिविंग के अंदर यहाँ पे क्या मिलता है परमाणु मिलता है लेकिन कमाल की बात यह है कि दोनों के अंदर यहाँ पे जो मुख्य भाग होता है उसे क्या बोलते हैं केंद्रक बोलते हैं जैसे किसी परमाणु में अगर केंद्रक टूट जाए तो परमाणु नष्ट हो जाता है सिंपल सी बात है उसी तरह से यदि किसी भी कोशिका में केंद्र टूट जाए केंद्र खत्म हो जाए तो वहां पे कोशिका समाप्त हो जाती है तो कोशिका के समाप्ति का व्यास वास्तविक जो मतलब होता है कोशिका के खत्म होने का वास्तविक जो मतलब होता है ना साथियों वो यहां पे क्या होता है बच्चे यहां पे केंद्रक का समाप्त हो जाना यानी कि केंद्रक का, का खत्म हो जाना क्लियर सारी बातें गलती मत कीजिएगा बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है जो समझा दिया अब जरा ये यहाँ पे देखिए साहब क्या मस्त कंसेप्ट है जो होने वाले सुनो देखिए ध्यान से अब हम जब बात करेंगे तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको मैं यहाँ पे छोटा सा चीज है जो बताने वाला हूं इधर देखिए ध्यान से अब हम जब बात करेंगे तो हमें एक चीज यहाँ पे समझनी है जिसको सिंपल सी भाषा में बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म क्या बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं अब एक शब्द है देखिए बेटा जो यहाँ पे बार बार आने वाला है और हम उसको हिंदी में देखिए बच्चे क्या बोलते हैं जीव द्रव्य क्या बोलते हैं जीव द्रव्य बोलते हैं यहाँ पे से हम सिंपल सी भाषा में क्या बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे अब क्वेश्चन बनता है सर की प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या है तो बेटा प्रोटोप्लाज्म की हम जब बात करेंगे तो प्रोटोप्लाज्म एक द्रव होता है जिसको हम सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं जीव द्रव्य बोलते हैं और ये कहा जाता है कि कोशिका में किए जाने वाले सारे के सारे महत्वपूर्ण कार्य इसी जीव द्रव्य में किए जाएंगे भैया जीव द्रव्य बनेगा कैसे तो ये जीव द्रव्य बेटा बनता है दो चीजों को मिलकर पहला कौन सा यहाँ पे न्यूक्लियस कौन सा है न्यूक्लियस और दूसरा यहाँ पे देखिए बच्चे कौन सा है तो दूसरा होता है जिसको हम सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म क्या बोलते हैं इसका मतलब यह है कि हम जब यहाँ पे केंद्रक की बात करेंगे तो केंद्रक और यहाँ पे कोशिका द्रव्य को मिलाने से तो केंद्रक और यहाँ पे कोशिका द्रव्य को बेटा मिलाने से यहाँ पे किसका निर्माण होता है तो यहाँ पे निर्माण होता है बेटा जिसको हम सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं जीव द्रव्य बोलते हैं और जीव द्रव्य को बेटा अंग्रेजी में क्या कहा जाता है तो इसे हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म क्या बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं सर इसकी यहां पे खोज किसके द्वारा की जा रही है तो जीव द्रव्य की बेटा जो खोज है वो यहाँ पे की जा रही है एक वैज्ञानिक के द्वारा जिनका नाम है जे ई पुर कि आप यहाँ पे जरा जे समझना तो इसकी यहाँ पे जो खोज है वो किसके द्वारा देखिए बच्चे की जा रही है तो यहां पे एक वैज्ञानिक आने वाले जिनका नाम है जे ई पुरकिंजे तो जे ई पुरकिंजे के द्वारा यहाँ पे खोज की जा रही है क्या छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है अच्छा ये बताओ मुझे प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों एक है अलग अलग है अलग अलग है भैया अलग अलग है क्यों अलग अलग है क्योंकि हम जब बात करेंगे तो इनकी भी संरचना कैसी है अलग अलग है अगर

यहाँ पे दो चीजें मिलेंगी बेटा क्या किसी भी हम जब बात करते हैं सेल के अंदर दो चीजें मिलती हैं पहला कौन सा है साइटोप्लाज्म है और दूसरा प्रोटोप्लाज्म है अच्छा ये बताओ छोटा सा पॉइंट है अगर हमारी जीवन संबंधी क्रिया किस में होने वाली है केंद्रक के यहाँ पे केंद्रक में है साइटोप्लाज्म में यहाँ पे या फिर प्रोटोप्लाज्म के अंदर तो बेटा आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि जीवन संबंधी जितनी भी क्रियाएं होती है मतलब हम जब बात करते हैं लिविंग जो एक्टिविटीज की जाती है तो किसी भी कोशिका के अंदर बेटा जो लिविंग एक्टिविटीज होती है वो सारे के सारी जीव द्रव्य में क्या छोटा सा चमका चमका कि नहीं है? जल्दी बताओ सब सब के कमेंट अंदर और किसके द्वारा बेटा यहां पे खोज की जा रही है तो ये खोज की जा रही है जे जेई पुरजी के द्वारा जल्दी बताइए सब कॉमेंट सब के अंदर फिर आपको मैं बहुत बड़ी तरीके से इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझाता हूं चलिए ठीक है बच्चे देखो धान से अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को जरा समझना नेक्स्ट हमारा क्या होने वाला है देखिए देखिए बहुत ही बढ़िया सुनो सुनो तो अब बेटा हम जब बात करते हैं जीव द्रव्य के बारे में कि जीव द्रव्य होता क्या है तो उसके बारे में जरा समझ गया छोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपको यहाँ पे सारी सारी बातें अच्छी तरह से बेटा यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे देखिए ध्यान से सुनो तो मैंने क्या बताया देखिए छोटा सा पॉइंट है कि ये हमारी देखिए बेटा पाए जाने वाली कोशिका होती है कोशिका में देखिए कौन सा बच्चा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ यहां पे पाया जाने वाला देखिए बच्चे कौन सा द्रव्य है कोशिका द्रव है तो न्यूक्लियस प्लस कोशिका द्रव्य को मिलाकर यहां पे प्रोटोप्लाज्म का निर्माण होता है और प्रोटोप्लाज्म को हम सिंपल की भाषा में क्या बोलते हैं जीव द्रव्य बोलते हैं ये बात क्लियर हो गई है इस डायग्राम में आप अच्छी तरह से देख पाएंगे अब सीधे सीधे क्वेश्चन क्या बनता है इनको देखे था पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि कोशिकाओं के अंदर होने वाली जितनी भी सजीव कोशिकाएं होती है। मतलब हम जब बात करते हैं जितनी भी बेटा लिविंग कोशिकाएं होती है जितनी भी यहाँ पे लिविंग सेल्स होते हैं तो लिविंग सेल्स के अंदर की जाने वाली जितनी भी जीवन संबंधी क्रियाएं हैं मतलब जितनी भी क्रियाएं जो यहाँ पे जीवन के द्वारा की जाने वाली चाहिए जो जीवन के लिए की जानी चाहिए वो सारे की सारी प्रोसेस यहां पे की जाती है किसके अंदर कोशिका द्रव्य में या प्रोटोप्लाज्म के अंदर या साइटोप्लाज्म के अंदर तो बेटा आंसर है पे प्रोटोप्लाज्म के अंदर पहला पॉइंट ये है सीधी सीधे सीधे अच्छा इसकी डिस्कवरी यहाँ पे किसके द्वारा दी गई जारी है तो इसकी डिस्कवरी बेटा करने वाले दो व्यक्ति है पहले कौन व्यक्ति कौन है तो पहले व्यक्ति है जिनका नाम है जेई पुर कि और दूसरे व्यक्ति जो है यहाँ पे उनका नाम है एच बी मोहल तो इन दो वैज्ञानिकों ने मिलकर यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म की जानकारी हमें दी है पहली बात है जैसा मैंने आपको अभी भी बताया थोड़ा सा पॉइंट है कि जीव में संपन्न होने वाली जितनी भी यहाँ पे जैविक क्रियाएं होती है इट मीन जितनी भी यहाँ पे बायोलॉजिकल जो एक्टिविटीज की जाती है वो सारी सारी किसमें की जाती है बेटा तो आंसर है प्रोटोप्लाज्मिक में की जाती है तो प्रोटोप्लाज्म तो प्रोटो एक ऐसा यहाँ पे लिक्विड पदार्थ है सेल के अंदर पाया जाने वाला द्रव्य पदार्थ है जिसमें सारी की सारी जैविक क्रिया की जाएंगी पहला पॉइंट ये है इसके साथ हम जब बात करते हैं तो इसे ही बच्चे क्या बोलते हैं तो आंसर है जीवन का भौतिक आधार भी कहा जाता है इट मीन इसे ही हम सिंपल सी भाषा में बोलते हैं the physical basic of the life. अब क्वेश्चन ये बनता है सर ये होता कैसा देखिए तो ये हल्का सा देखिए बच्चे एसिडिक है या हल्का सा बेसिक है तो ये बच्चे ये हल्का सा एसिडिक है कैसा हल्का सा एसिडिक है और इसके हल्के से एसिडिक होने के पीछे जो रीजन है वो है बेटा इसमें पाए जाने वाले बहुत सारे एंजाइम्स क्या मिलते हैं बहुत सारे एंजाइम मिलते हैं तो इसका जो पीएच मान होता है बच्चे वो कितना होता है कि वो 6.5 से फाइव 7.0 के आसपास है मतलब हम जब बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म के बारे में तो प्रोटोप्लाज्म हल्का सा एसिडिक है और इसके हल्के से एसिडिक होने के पीछे जो मेन रीजन माना गया वो है बहुत सारे प्रोटीन्स का मिलना बहुत सारे एंजाइम्स का मिलना जिस कारण से ये कैसा हल्का सा एसिडिक मिलेगा साथ ही साथ सबसे मेन चीज बनती है कि जीव द्रव्य के अंदर ही कोशिका का डेवलपमेंट होता है साथ ही साथ हम जब बात करते विभाजन की प्रोसेस की शुरुआत भी होगी मतलब यहाँ पे कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग होते हैं जितने भी सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं वो सारे के सारे साथियों जो डेवलप्ड होते हैं मतलब डेवलप्ड करते हैं वो जीव द्रव्य की सहायता से करते हैं इसके अलावा जब यहाँ पे सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है जिसमें कोशिका विभाजन कहते हैं तो कोशिका विभाजन में भी सबसे मुख्य भूमिका निभाने वाला पार्टन वा पोर्षण कौन सा बच्चे जीव द्रव्य का है तो मैंने छोटा सा एग्जांपल बताया आपको देखिए जीव द्रव्य के बारे में और कोशिका द्रव्य के बारे में लॉजिकली सारी बातें जल्दी बताइए सबके सब तो जीव द्रव्य बेटा हमारा प्रोटोप्लाज्म है ये फैक्ट आप यहाँ पे समझेगा प्रोटोप्लाज्म के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाले व्यक्ति यहाँ पे कौन थे जय पुरकिंजे और साथ साथ में उनकी सहायता करने वाले जो वैज्ञानिक थे जो यहाँ पे थे, वो थे मोहल छोटा सा बता हमारी जो सेल चैप्टर है ना तो सेल के इतनी ज्यादा बारीकी है अगर मैं चाहूं तो हर एक चीज पे बहुत डीपली जा सकता हूं लेकिन मैंने पहले क्या बताया आपको ज्ञाता नहीं बनना है हमें इतना पढ़ना है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए अगर मैं फॉर एग्जाम्पल जीव द्रव्य पे बात करूँ तो जीव द्रव्य पे मैं चाहूं तो आपको यहाँ पे पूरा पूरा एक डेढ़ घंटा पढ़ा सकता हूँ इतना लेक्चर है मेरे पास में इतना कॉन्टेंट है मतलब मैं आपको मैंने वो सब बातें बता दी हैं जो आपको समझ के लिए जरूरी है जो आपकी एक मानसिक समझ के लिए जरूरी है कि इस चैप्टर में मैं क्या क्या पढ़ना पड़ेगा लेकिन पीएचडी नहीं करनी है अगर पीएचडी करनी होती है तो बेटा आप नीट की तैयारी करते आप डॉक्टर्स की तैयारी करते आपको सिंपल भाषा में पेपर निकालना है तो आपको उतना पढ़ना है कि जितना हमारा सिलेक्शन रुके ना मैं पहले कह रहा हूं इतना कम भी नहीं पढ़ना है कि सिलेक्शन ना हो इतना ज्यादा भी ना पढ़ना है कि तुम्हारा भैया सिंपल सी बात है कि माथे ही खराब हो जाए इतना पढ़ना है कि सिलेक्शन रुकेगा नहीं और इतना हम ज्यादा पढ़ेंगे नहीं कि सिलेक्शन के लिए हमें ज्यादा माता बच्ची करने की आवश्यकता नहीं है आराम से सिलेक्शन हो जाएगा बस सही तरीके से आपको यहां पे सारी बाते सारी बातें पता होनी चाहिए ठीक है क्लियर सारी बातें बोलो हाँ जल्दी से चलो क्लियर है चलो बच्चे चलो अब देखो मैंने ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो यहां पे समझिएगा देखिए क्या मैंने कॉन्सेप्ट है जो समझाया देखिए देखिए छोटा सा पॉइंट है इधर से अब आपके मन में क्वेश्चन ये बनेगा सर की हमारा जो जीव द्रव्य बन है देखिए आपने कहा सर जो हमारा प्रोटोप्लाज्म बनता है ये सर नया बनता है पुराना बनता बनता रहता है देखिए आपको बताऊं बेटा कि यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है जरा समझिए देखिए छोटा सा पॉइंट है कि हमेशा जो नए प्रोटोप्लाज्म का निर्माण है ये पुराने प्रोटोप्लाज्म से होता रहता है मतलब नए जीव द्रव्य का निर्माण हमेशा पुराने जीव द्रव्य में ही बनता है ये फैक्ट भी यहां पे समझिएगा आगे मैं सब बातें बताने वाला हूं देखिए अब मुद्दा ये बनता भी है कि सर आपने ये बताया कि कोशिका के अंदर हम जब बात करते हैं तो छोटे 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 छोटे, -छोटे कण पाए जाते हैं और इन छोटे छोटे कणों को हम सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं तो इन छोटे छोटे कणों को बच्चे हम सिंपल सी भाषा में सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं या बोलते हैं कोशिकांग बोलते हैं इधर के अब ये जो छोटे छोटे बेटा कण पाए जाते हैं जिनको हम सिंपल सी भाषा में कोशिकांग बोलते हैं कोशिकांग बोलते हैं इन कोशिकांग को किसमें शामिल किया जाएगा देखिए तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है जिसको हम सिंपल सी भाषा में कोशिका द्रव्य बोलते हैं और इसी के साथ जब केंद्र को मिला दिया जाए न्यूक्लियस को मिला दिया जाए तो उसे क्या बोलते हैं यहाँ पे जीव द्रव्य बोलते हैं तो जीव द्रव्य मतलब प्रोटोप्लाज्म तो हमारे सारे के सारे कोशिकांग एक द्रव्य में तैरते रहते हैं अब सर कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं देखिए से कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स मिलते हैं तो इसमें देखिए बच्चे हमारे पास में प्रद्रव्य जालिका है जिसको हम सिंपल सी भाषा में एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बोलेंगे इसी तरह से देखिए बच्चे हमारे पास में राइबोजो मिलता है जिसको हम सिंपल सी भाषा में राइबोसोम ही बोलते हैं लाइजोजोम पाई जाती है माइक्रोकॉन्ट्रियाम पाई जाती है लवक प्लास्टिड्स जाते हैं, वैक्यूल्स राजधानी पाई जाती है हम जब बात करते हैं बेटा देखिए सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं इसी तरह से हम देखिए माइक्रो ट्यूब्यूल्स मिलती हैं गोल्गी बॉडीज मिलती हैं साथ ही साथ बेटा माइक्रो बॉडीज अन्य सूक्ष्म का है जो यहाँ पे पाए जाते हैं तो इन सभी को हमने एक साथ जो नाम दिया है उन्हें क्या बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं और सेल ऑर्गेनल्स की शुरुआत हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में भैया आज पढ़ने वाले फिर हम हम लोग तो आज बेटा देखिए पढ़ने वाले हैं, तो हैं सेल वॉल के बारे में कोशिका भित्ती के बारे में तो आपको मैं दो चीजें हैं जो पढ़ाने वाला हूं यहाँ पे वह है कोशिका भित्ती और दूसरा बेटा यहाँ पे कौन सी कोशिका झिल्ली क्लियर सारी बातें चलो आप यहाँ पे जरा समझिएगा अच्छी तरीके से ठीक है चलो तो हम देखिए बेटा सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कोश का भित्ती के बारे में अबाउट दिस कि सेल वॉल कहाँ मिलती है किस तरह से मिलती है और सेल वॉल कहाँ पे पाई जाती है देखिए तो हम जब बात करेंगे बेटा जरा समझना छोटा सा पॉइंट है इस प्यारे से कंसेप्ट को समझिए देखिए आप यहाँ पे दो तरह के सेल्स देख पाएंगे एक है बेटा कौन सी प्लांट सेल्स और एक कौन सी यहाँ पे एनिमल सेल है अगर ध्यान से देखें कि एनिमल सेल के ऊपर सिर्फ एक ही परत है जो मिलने वाली है देखिए सिंगल परत है जो मिलेगी लेकिन हम जब बात करते हैं प्लांट सेल के बारे में तो प्लांट सेल के ऊपर बेटा दो परतें हैं जो मिलने वाली है। सबसे पहली जो परत आपको यहाँ पे देख पाएंगे जो हमने ए परत दी है और इसके ऊपर भी यहाँ पे पर परत मिलती है जो बच्चे कौन सी परत है बी वाली परत है तो ए वाली परत यहाँ पे पर दोनों में कॉमन है और इसको बच्चे हम सिंपल सी भाषा में बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन क्या बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन को सिंपल सी भाषा में बेटा बोलते हैं कोशिका झिल्ली क्या बोलते हैं कोशिका झिल्ली ये वही कोशिका झिल्ली है जो हमारी कोशिका की बाहरी संरचना का निर्माण करती है जैसे अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले एक यहाँ पे गुब्बारे का उदाहरण दिया था कि मान लीजिए गुब्बारे में पानी भर दिया आपने तो पानी उस गुब्बारे से बाहर जा नहीं पा रहा वो गुब्बारे के अंदर ही है लेकिन गुब्बारे के अंदर अलग ही तैर रहा है अलग ही लिक्विड में तैर रहा है किसी भी शेप साइज में जा रहा है तो वो जो पानी बाहर नहीं जा पा रहा है क्यों नहीं जा पा रहा रहे गुब्बारा एक एक परत का निर्माण करता है और उसी परत को हम सही ना कहीं कोशिका की परत से भी समझ सकते हैं तो जिस प्रकार से गुब्बारा यहाँ पे बाहर की परत का निर्माण कर रहा है वैसे ही बच्चे यहां पे कोशिकाओं के अंदर सेल्स के अंदर एक परत बनती है एक यहाँ पे ट्रांसपेरेंट परत बनती है जिसको हम सिंपल सी भाषा में ठीक है तो जिसको हम सिंपल सी भाषा में देखिए बच्चे क्या बोलते हैं तो जिसको सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं आप कोशिका झिल्ली बोलते हैं क्लियर सारी बात है चलो बेटा देखो मैं आपको एक चीज में कहना चाहता हूँ सुनो क्लास को पढ़ाते बीच में ना हम कभी बेटा फालतू में डिस्कशन नहीं करते हैं क्यों नहीं करते क्योंकि बेटा मैं बताऊं क्लास हमारी आज की तो होती नहीं है आप इस क्लास को बाद में देखेंगे बहुत से बच्चे बाद में देखेंगे तो अगर तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो बेटा तुम्हारा बड़ा भाई क्लास के बाद तुमसे बात करेगा क्या टेंशन ले रहे हो तो मैं ये चीज तुम्हें भी समझनी पड़ेगी क्योंकि तुम अकेले पढ़ने वाले नहीं हो पढ़ने वाले बहुत से विद्यार्थी होते हैं हम बेटा यहां पे पढ़ने के लिए आए हैं बातचीत करने के लिए नहीं आए हैं अगर मैं हर एक विद्यार्थी की क्लास की प्रॉब्लम क्लास लाइव में सुनने लगा ना तो हम कभी पढ़ ही नहीं पाएंगे समस्या ये है इसलिए पढ़ लो लॉस तुम्हारा ही है लॉस तुम्हारा जानते क्यों है क्योंकि बेटा पछताओ कि अगर तुमने यहां पे खो दिया इसको अगर ये सब चीजें बेटा बैच में नहीं पढ़ पाए ना तो कभी पढ़ भी नहीं पाओगे क्योंकि YouTube पे तुम्हें इतना कंटेंट मिलने वाला नहीं है मैं दावे से बोलता हूं YouTube पे तुम्हें इतना सिस्टमैटिक कंटेंट नहीं मिलेगा अभी तो रुक जाओ अभी मैं पता करूंगा तुमसे कि कितना आता है कितना नहीं आता है डोंट वरी सब पता चलेगा सब पता चल जाएगा आपको देखो भैया ध्यान से इधर तो हम देखिए जब बात करते हैं तो आप देख पाएंगे बच्चे की यहाँ पे प्लांट सेल्स के अंदर और यहाँ पे एनिमल सेल्स में एक कॉमन परत तो यहाँ पे मिलती है और हम जब बात करते हैं बच्चे कॉमन परत जिसे हम क्या बोलते हैं कोशिका झिल्ली बोलते हैं अब इस कोशिका झिल्ली के अलावा भी अलावा भी यहाँ पे प्लांट सेल में एक अलग से परत है जो पाई जाती है जो प्लांट सेल को और ज्यादा मजबूत दे देती है मजबूती प्रदान करती है और यहाँ पे पाई जाने वाली जो एक्स्ट्रा परत होती है इसी परत को बच्चे हम सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं कोशिका भित्ति बोलते हैं क्लियर सारी बातें गलती मत करना छोटा सा पॉइंट है तो हम जब देखिए बेटा बात करेंगे इस छोटे से कॉन्सेप्ट को जरा समझने का प्रयास कीजिएगा कि हम जब बात करते हैं बच्चे कोशिका भित्ती के बारे में तो कोशिका भित्ती यहाँ पे कहाँ पे मिलती है सर यह एनिमल सेल्स में पाई जाती है प्लांट सेल्स में पाई जाती है तो मैं पहले क्लिक कर दूं साथी सबके सब कि कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्लांट सेल में मिलने वाली है ये एनिमल सेल में मिलने वाली नहीं है क्या इतना सा लॉजिक है ये फैक्ट भी यहाँ पे समझेगा तो हमने जब बात की देखिए बेटा किसके बारे में यहाँ पे प्लांट सेल्स के बारे में तो यहाँ पे जरा समझना कि सबसे पहले यहाँ पे बेटा व्यक्ति है जिनका नाम है रॉबर्ट हुक यस तो रॉबर्ट हे व्यक्ति है जो ने सबसे पहले बेटा कोशिका की खोज की अच्छा कौन सी कोशिका की जीवित कोशिका की मृत कोशिका की भैया आपने कल ही तो बताया था कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले यहां पे मृत कोशिका की खोज की है जिसे हम डेड सेल बोलते हैं और अच्छा ये बताओ कि यह डेडसेल खोजा कहाँ से था भैया एक उससे खोजा था किससे ये वुडन कॉक से मतलब हम जब बात करेंगे तो मृत कोश का खोज की है कॉर्क से कॉर्क मतलब एक बोतल के ढक्कन को बंद करने के लिए लकड़ी का जो छोटा सा गट्ठा इस्तेमाल करते हैं उसे कॉर्क बोलते हैं अच्छा है ये बताओ कॉर्क किससे बनता है जानवरों से बनता है प्लांट से बनता है या फिर एनिमल्स से बनता है बेटा सर ये प्लांट से बनता है एग्जैक्टली exactly, मैं वही बताना चाहता हूँ देखिए तो हम जब बात करेंगे तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक के द्वारा ही यहां पे कोश का भित्ती का अध्ययन किया जा रहा है मतलब स्टडी की जा रही है तो ये क्वेश्चन बहुत प्यारा सा बनता है भैया की कोशिका भित्ति के बारे में सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिकों में से कौन है तो आंसर हमारे यहां पे रॉबर्ट हुक ही अच्छा किताब कौन सी उनकी बताने वाली माइक्रोग्राफिया कौन सी है ये फैक्ट भी यहां पे जरा समझिएगा बहुत ही अच्छी तरीके से ठीक है अब जरा यहाँ पे देखिए सबके सब बहुत बढ़िया कंसेप्ट होने वाला अब हम जब बात करेंगे तो प्लांट सेल में किसमें प्लांट सेल में तो प्लांट सेल के अंदर बेटा बहुत ही ज्यादा कठोर

या पादप कोशिकाओं के अंदर तो बेटा ये सिर्फ और सिर्फ देखिए बेटा मिलने वाली है किसके अंदर यहाँ पे कोशिका भित्ती मिलती है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर तो यह हार्ड होती है काफी थिक होती है बच्चे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग भी होती है और किसके द्वारा सबसे पहले, पहले इसकी डिस्कवरी यहाँ पे की जा रही है तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे डिस्कवरी की जा रही है किसके द्वारा तो ये डिस्कवरी यहाँ पे की जा रही है बच्चे किसके द्वारा देखिए तो आंसर है रॉबर्ट हुक के द्वारा लॉजिक क्लियर है चलो भैया नेक्स्ट पॉइंट देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बोलता है नेक्स्ट पॉइंट पे हम जब चलेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट में देखिए बेटा यहाँ पे सिंपल सा सिंपल सा पॉइंट है जो कहा गया देखिए बहुत प्यारा प्यारा कंसेप्ट है सुनो अब जैसा देखिए आपको मैंने अभी दो मिनट पहले समझाया था कि सर हमारी जो सेल वॉल होती है वो हर जगह पे नहीं मिलती है तो वॉल सिर्फ और सिर्फ पाई जाती है बच्चे किसके अंदर देखिए यहा पे प्लांट सेल्स के अंदर तो प्लांट सेल्स के अंदर पाए जाने वाली बाहर की परत है जिसे हम सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं कोशिका भित्ति बोलते हैं और ये कहाँ मिलेगी कोशिका झिल्ली के अंदर ही कोशिका झिल्ली तो के ऊपर तो बेटा ये कोशिका झिल्ली के देखिए ऊपर पाई जाती है सुनो तो कोशिका झिल्ली जिसे हम सिंपल सी भाषा में सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये जो लेयर है वो पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन के नीचे नहीं मिलती है अगर आपसे बेटा पूछे कि भाई ये कौन सी परत ऊपर मिलती है सेल वॉल ऊपर मिलती है या सेल मेम्ब्रेन ऊपर मिलती है तो याद कर लेना ध्यान से कि अगर यहाँ पे बेटा मेम्ब्रेन कैसी परत है पतली सी परत है सुनो और इसको हम सिंपल सी भाषा में पारगम्य बोलते हैं में समझाऊंगा टेंशन मत लीजिएगा तो हमेशा सेल वॉल बेटा ऊपर मिलेगी सुनो तो जो सेल वॉल की परत होती है ये बहुत ही ज्यादा कठोर होती है जो हमारी कोशिका की सुरक्षा करेगी अच्छा ये बताओ मुझे अगर मैं बात करूं कि कौन सी कोशिका ज्यादा कठोर होती है ज्यादा स्ट्रांग होती है इनमें से सेल वॉल यहाँ पे प्लांट सेल की है फिर एनिमल सेल की सर जीव जंतु जल्दी खत्म हो जाते हैं सिंपल सी बात है लेकिन प्लांट्स काफी लंबे समय तक चलते रहते हैं तो प्लांट्स के लंबे समय तक चलने के पीछे जो मेन रीजन है वो ये है इनकी यहां पे कोशिका की संरचना मतलब इन प्लांट सेल्स के ऊपर यहां पे पाए जाने वाली मोटी सी परत होती है और इसी मोटी सी परत को बच्चे हम सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं सेल वॉल बोलते हैं अब मुद्दा ये बनता है अब मुद्दा ये बनता है भैया कि वॉल मिलती किसकी है देखिए बच्चे अब मुद्दा ये बनता भी है भैया कि ये जो सेल वॉल होती है सेल सलवर मृत्यु किसकी देखिए छोटा सा पॉइंट है अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट देखिए ध्यान से सुनो देखिए अब हम देखिए जब बात करेंगे इस सेल वॉल के बारे में ये सेल वॉल बेटा बनती है किसकी है तो इस सेल वॉल का बेसिकली जो निर्माण होता है बेटा प्लांट्स में बेसिकली प्लांट्स के अंदर बेसिकली प्लांट्स के अंदर तो बेसिकली प्लांट्स में बेटा इनका निर्माण होता है सेलुलोज के द्वारा सर यह सेलोज क्या होता है देखिए छोटा सा पॉइंट है आपको बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट के ना बहुत सारे प्रकार होते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का बेटा प्रकार है जिसको हम सिंपल सी भाषा में पॉलीसेकेराइड्स बोलते हैं बोलो हां ना तो उन्हीं पॉलीसेकेराइड्स में से बेटा एक यहाँ पे सेक्राइड है जिसको हम सिंपल सी भाषा में सेलुलोज कहते हैं जिसका फार्मूला पूछेंगे आपसे क्या फार्मूला भैया तो C6H10O5 और इसकी बहुत लंबी चेन है जो बनने वाली है तो प्लांट्स के अंदर बेसिकली जो डेवलप्ड प्लांट्स होते हैं हमारे तो प्लांट्स के अंदर बेसिकली जो सेल वॉल बनती है वो किसकी बनती है तो बेटा आंसर है सेलुलोज की बनती है पहला क्वेश्चन ये पूछेंगे आपसे एग्जामिनेशन में कि सामान्यतः पेड़ पौधों के अंदर यहां जो, जो का निर्माण होता है वो किसके थ्रू होता है तो वो होता है यहां पे सेलुलोज के द्वारा अब आपके मन में ना क्वेश्चन ये आ सकता है भैया सारे के सारे यहाँ पे सेल वॉल्स का निर्माण सेलुलोज से होगा नहीं हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है कि क्या सारे के सारे यहाँ पे जो सेल वॉल बनती है क्या सारे की सारी जो कोश का भित्ती बनती है वो यहाँ पे सेलुलोज से बनती बिल्कुल नहीं बनती उसका एग्जाम्पल अब आपको मैं समझाने वाला हूं देखिए जैसे अगर मैं पूछूं बेटा बैक्टीरिया के बारे में ठीक है अगर मैं पूछू देखिए बेटा आपसे यहां पे फंगस के बारे में अगर मैं पूछूं एलगीज के बारे में या फिर हमारे डेवलप्ड प्लांट्स के बारे में क्या इन सब का निर्माण यहाँ पे एक ही सेल वॉल से हुआ है या डिफरेंट डिफरेंट सेल वॉल से हुआ है तो भैया इन सब का निर्माण यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेल वॉल से हुआ है चलो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन बताइए फटाफट से मैं देखना चाहता हूँ कितने छोटे भाई बहन मुझे इसका आंसर दे पाते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर यहाँ पे प्लांट सेल या सेल वॉल पाई जाती है कि नहीं पाई जाती बस इतना बताइए जल्दी से मुझे कॉमेंट के अंदर क्या बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल पाई जाती है क्या बैक्टीरिया के अंदर कोश का भित्ती पाई जाती है हा या ना और अगर पाई जाती है तो किसकी बनी होती है जल्दी से बस मुझे तुम्हारे कमेंट चेक करने हैं जल्दी बताइए सबके सब बच्चे सब अच्छा आप लोग ये कह रहे भैया कि सर पाई जाती है कुछ बोल रहे हैं सर नहीं पाई जाती है अच्छा ठीक है मैं समझ गया तुम्हारी बात को अब जरा यहाँ पे देख लो सुनो बेटा कैंटीन नहीं होती है ठीक है कैंटीन नहीं होती है जरा सुनो बस कुछ भी बोले जाओगे अपने मन से हमें तो बस कमेंट करना होता है ठीक है अब देखिए बच्चे सुनो अगर हम बात करते हैं बच्चे यहाँ पे मैं चार क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ जरा देखिए ध्यान से तो मैंने चार क्वेश्चन छोटे छोटे से लिखे हैं बताइए जल्दी सीखे तो हमने बेटा देखिए पहला क्वेश्चन पूछा है कि जीवाणु में पाए जाने वाली कोशा भित्ती दूसरी देखिए बच्चे हमने बात की है कवक में पाए जाने वाली, वाली कोश का भित्ती जो हमारे पास में फंगाई है तीसरा देखिए बच्चे हमारे पास में एल्गीज में पाए जाने वाली कोश का भित्ती जिसे हम सिंपल सी भाषा में शैवाल बोलते हैं और चौथा हमारे पास में विकसित पेड़ पौधे देखिए ध्यान से बच्चे कि विकसित पेड़ पौधों में पाए जाने वाली कोश का भित्ती अब क्वेश्चन ये बनता है अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या यहाँ पे वास्तव में क्या वास्तव में यहाँ पे कोशिका पाई जाती है देखिए मैं छोटा सा उदाहरण है पहले क्लिक करता हूं देखिए यस इन सभी के अंदर बेटा सेल वॉल पाई जाती है भैया सेल वॉल तो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में मिलती है आपने बताया भैया सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में मिलती है इसका मतलब है कि बैक्टीरिया यहाँ पे जीव नहीं है बैक्टीरिया यहाँ पे पादप कोशिकाओं में शामिल है मैं उसी पर आना चाहता हूँ देखिए छोटा सा पॉइंट सुनो बच्चे बहुत प्यारा कंसेप्ट है सुनो

के अंदर कोश का भित्ति पाई जाती है अब मुद्दा ये बनता भैया ठीक है तो पढ़ेंगे तो बेटा मुद्दा यही है सारा का सारा से तो यहाँ पे पाए जाने वाली जो सेलवॉल है उसको बेटा हम सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं तो बेटा यहाँ पे पाए जाने वाली जो सेलवाल होती है वो बनती किसी यहाँ पे तो वो बेटा देखिए बनती है पेपिटोग्लाइकॉन से किससे बनती है पेपिटोग

और पैपेटो ग्लाइकोन के साथ यहाँ पे कौन सा एसिड होता है बेटा तो आंसर है मुरामिक एसिड होता है ये बहुत से बच्चों को नहीं पता है सबके लिए नया होने वाला है दूसरा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट ये बनता है सर कवक मतलब फंगाई की बात करते हैं क्या फंगाई के अंदर यहाँ पे कोश का वृत्ति मिलती है बिल्कुल मिलती है हम जब बात करेंगे तो फंगाई भी हमारा बेटा किस वर्ग में शामिल होता है तो ये भी हमारे थैलोफाइटा वर्ग में शामिल होता है अब जो थैलोफाइटा में शामिल है तो ये पादप किंगडम पादप जगत में आएगा प्लांट किंगडम में आएगा और सिंपल सी बात है प्लांट है तो उसमें इस इसमें क्या मिलेगी कोश का भित्ती मिलने वाली है तो अब यहाँ पे कवक में बेटा किसकी बनती है तो कवक में पाए जाने वाली जो कोश का भित्ती होती है वो बनती है काइटिन की किसकी काइटिन की और काइटिन की अगर मैं बात करूं सुनो सबके सब छोटा सा पॉइंट है सुनो बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन बड़ा बनता सुनो तो काइटिन के अंदर हम जब बात करते हैं तो ये पॉलीसेक्राइड होता है सर किसका पॉलीसेक्राइड है तो बेटा बनता है कार्बोहाइड्रेट से तो कार्बोहाइड्रेट का पॉलिसक्राइड है जिसको हम क्या बोलते हैं कार्टीन बोलते हैं फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सर एल्गी एल्गी मतलब शैवाल शैवाल खुद का भोजन बनाते हैं और एलगीज के अंदर बेटा यहाँ पे पाए जाने वाली जो कोश का भित्ती होती है वो किसकी बनती है सेलुलोज की और साथ ही साथ यहाँ पे पाया जाता है पैक्टीन आपको मैं पहले क्लिक कर दू बेटा कि पैक्टिन को हम प्लांट सीमेंट बोलते हैं क्या बोलते हैं प्लांट सीमेंट भी बोलते हैं और जो डेवलप्ड प्लांट होते हैं बेटा वो बनते हैं किससे सेलोस से? से तो ये छोटा सा फैक्ट यहां पे समझिएगा जल्दी बताइए कॉमेंट के अंदर कि यहां तक की सारी बातें चमकी है कि नहीं चमकी है अगर हम बात करें बेटा इन तीनों के बारे में सुनो तो इन तीनों को हमने शामिल किया है किसमें देखिए बच्चे तो इन तीनों को हमने शामिल किया है किस में थैलोफाइटा में शामिल किया है ये प्लांट किंगडम में देखिए बेटा प्लांट किंगडम के अंदर यहां पे एक वर्ग होता है जिसको हम सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं थेलोफाइटा बोलेंगे

कि जब से नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाते हैं ना तो हमारे अंदर एक अस्थिरता आ जाती है बेटा सुनो सिलेक्शन वही लेता है जो स्थिर होता है जो अस्थिर लोग होते हैं वो वो कभी सिलेक्शन सिलेक्शन ले ले ही नहीं पाते हैं जिसने अपने मन को स्थिर कर लिया वो ले जाएगा समस्या तो ये है कि तुम्हारे, तुम्हारे पास में हर चीज का सोल्यूशन है तुम जानते हो कि तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा किस कारण से नहीं हो रहा लेकिन उसका इल्जाम किसी दूसरे पर मत लगाओ तो धीरे धीरे पढ़ो भरोसा रखो क्योंकि तुम उस परिवार में जोड़े हो ना भैया इस परिवार में तभी जुड़े हो जब तुम्हें अपने ऊपर यहां पे यकीन है कि मेरा यहां से सिलेक्शन हो जाएगा तो डोंट वरी भर घबराओ नहीं यार प्लीज ठीक है हर एक चीज का बेटा समय होता है क्लास के बीच में मैं तुम्हें बातें नहीं बता पाऊंगा तुम्हार लिये मैं अलग से क्लास लेने वाला हूँ तुम्हारी सभी समस्याओं के समाधान के लिए आज मैं एप्लीकेशन पे आऊंगा बकायदा सिर्फ प्रॉब्लम सुनने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है कैसे करें क्या समस्या है उनको बताइए क्लास के बीच में बातचीत करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे कहना पड़ रहा है क्योंकि आज मैं तुम्हारे कॉमेंट्स चेक कर रहा हूँ भाई साहब यूट्यूब के तो क्या ही कहना है यूट्यूब कभी बेटा तुम्हारे लिए सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता ये क्लास मेरी एप्लीकेशन भी चल रही हो मैं बगल में यूट्यूब वाले कमेंट भी देख रहा हूँ और देख रहा हूं भैया यूट्यूब वाले कमेंट के अंदर कि क्या बातें चल रही है आशकी कमेंट नहीं चल रही है आशकी चल रही है नालायकों सुधर जाओ अभी भी सुधर जाओ पहले बोला वक्त है तुम्हारे पास अभी भी एक बात है जो कहना चाहता हूं सुलो सबके आज पूछो अपने बड़े भाइयों से या बड़ी बहनों से इस कंपटीशन में जो कूदे पाँच छह साल निकाले और बिना किसी रिजल्ट लिए अनसक्सेसफुल होके वापस लौट गए क्या बीती थी आज उनके ऊपर क्या ताने सुनने को मिलते उनको आसपास के समाज के लोग जो ताने देते हैं वो देते हैं उनको वो सुनते हैं उनको रियलाइज होता है कि काश उस समय ढंग से मेहनत ली होती सीरियसली तो आज ये समय देखना नहीं पड़ता उनसे पूछो कि इस समय की क्या वैल्यू होती है मैं आज भी कह रहा हूं कि हर चीज की कदर होती है ये जो समय मिला तुम्हें ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज की कदर होती है मिलने से पहले और खोने के बाद तुम कदर नहीं कर पा रहे कि तुम्हारी ये बैच इतना इंपॉर्टेंट क्यों है जब तुम्हारा सिलेक्शन रुकेगा ना और तुम्हारे इसी बैच के विद्यार्थी जब सिलेक्शन लेके जाएंगे तब तुम रियलाइज करोगे भैया काश थोड़ी सी मेहनत कर लेते इस बैच में सिलेक्शन हो जाता चलो तो मैंने एक छोटा सा फैक्ट है समझा दिया कि कोश का भित्ती यहां पे पाई जाती है कोश का भित्ती की हमने बात यहां पे की है और मैं ये बताना चाहता छोटे से बात है कि बेटा कोशिक भित्ती सिर्फ और सिर्फ किसमें मिलती है बच्चे तो आंसर है यहां पे प्लांट सेल्स में तो प्लांट सेल्स के अंदर बेटा एक वर्गीकरण किया है प्लांट किंगडम का और प्लांट किंगडम का बेटा एक वर्ग होता है जिसको हम सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं थैलोफाइटा थैलोफाइटा क्या बोलते है? बोलते हैं हैं तो ये बैक्टीरिया है फंगाई है एल्गी है, किस में शामिल है? है हम जो धीरे धीरे पढ़ेंगे ठीक है क्लियर सारी बातें मैं उम्मीद करता हूं यहां तक की सारी बातें आपको अच्छी तरह से बेटा क्लियर हो चुकी होंगी अच्छी तरह से यहां पे चमक चुकी होंगी क्लियर है सारी बातें चलो अब चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पर नेक्स्ट लेवल हमारा क्या होने वाला है देखिए भैया देखिये अब हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है इसको देखिए बहुत प्यारा कंसेप्ट है बहुत ही शानदार कंसेप्ट देखिये तो बता दिया आपको कि किस प्रकार से बेटा कोश का भित्ती पाई जाती है अब क्वेश्चन बनता है कि कोश का भित्ती करती क्या है मेन मेन काम क्या है करती क्या देखिए तो आप यहां पे देख पाएंगे बच्चे की प्लांट सेल है सबसे पहली बात यह समझिएगा कि कोश का भित्ती सिर्फ और सिर्फ बेटा किसमें पाई जाती है प्लांट सेल के अंदर ही पाई जाती है तो प्लांट सेल के अंदर ये जो प्लांट सेल है इसकी बाहर की लेयर बनती है किससे कोश का भित्ति से अब आप ये कहेंगे भैया अगर कोश का भित्ती इतनी ज्यादा हार्ड होती है तो अंदर यहां पे चीजें कैसे पहुंचती है मतलब कोशिकाओं के अंदर कैसी चीजें पहुंचती है तो इसका भी सॉल्यूशन मिलता भी है भैया कैसे मिलता है देखिए तो इस कोशिका भित्ति के अंदर बेटा हमारी जो सेल वॉल होती है इस कोशिका भित्ति के अंदर छोटे 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 छेद होते हैं देखिए ये छोटे 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 छेद दिखाई दे रहे हैं आपको अब इन छोटे छोटे छेद के माध्यम से ही सब चीजें हैं वो इसके अंदर जो संचारण है मतलब इसके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था वो की जाती है इन छोटे छोटे छेदों को क्या कहा जाता है तो इन छोटे छोटे छेदों को बच्चे हमने नाम दिया है तो इन छोटे छोटे छेदों को बेटा हम सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं बोलते हैं सुनो छोटा सा पॉइंट है तो आप देख पाएंगे सेल वॉल के ऊपर पे छोटे छोटे यहाँ पे छिद्र मिलेंगे इनको हम सिंपल सी भाषा में प्लाज्मो डेस्टिमा बोलते हैं अब इसी प्लाज्मो डेस्टमा के बीच में यहाँ पे कोशिकाओं के बीच में आपस जो आपसी संबंध है या आपसी संपर्क है वो यहाँ पे बनाए जाते हैं तो ये दिखती कैसी है यहाँ पे प्लाज्मो डेस्टिमा देखिए तो प्लाज्मोडेस्टिमा ऐसा दिखाई देता है कैसे दिखाई देता है देखो इस प्रकार से सुनो ये हमारी यहाँ पे कोशिका भित्ती नजर आएगी आपको इस कोशिका भित्ती के अंदर देखिए बच्चे यहाँ पे छोटे 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 छेद नजर आएंगे सिंपल सी बात है अब ये जो प्लाज्मोडेस्टिमा डस्टिमा देखिए बेटा वो अंदर की तरफ जाने वाला पदार्थ है और इसी से यहाँ पे एक कोशिका से दूसरी कोशिका देखिए बेटा बड़ी आसानी से यहाँ पे कनेक्टेड हो जाती है और अगर मान लो कि बाहर से हमें किसी पदार्थ की आवश्यकता चाहिए तो इसी के अंदर से यहाँ पे चीजें आर पार जा सकती है अब ये बताओ ये सभी चीजों को आर पार भेजेगा या हर चीज को भेजेगा ये हर चीज को या कुछ चीजों को बेटा कुछ ही चीजों को भेजने वाला है ये फैक्ट आप यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा अच्छी तरीके से क्लियर सारी बातें चलो तो अब हम देखिए बेटा यहाँ पे पढ़ेंगे इसके बारे में मैं पढ़ जहाँ पढ़ा चुका हूं कि हमारी जो कोष का भित्ति वो किस प्रकार की होती है अब बेटा देखिए समय नहीं है आज

बातें अब इसको जरा सुल देख लो एक बात सबके सब देखो आप यहां पे देखिएगा अच्छी तरीके से देखो ये ये हमारी जो कोशिका है बेटा ये हमारी जो कोशिका है ना इस कोशिका के अंदर आपको बहुत सारे देखिए कोशिकांग मिलेंगे देखिए जिसको हम सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं देखो ये तो ये हमारे देखिए बेटा बहुत सारे पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनल्स होते हैं अब ये जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं हमारे एक सेकंड हाँ ये सही है ऐसे देखो अब ये देखो बेटा हमारे जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं तो ये सेल ऑर्गेनल्स देखिए बेटा इस प्रकार से पाए जाते हैं अब इन सेल ऑर्गेनल्स के ऊपर यहाँ पे पाए जाने वाले ये जो पतली से लेयर होती है ना बेटा ये जो पतली से लेयर होती है ये जो पतली सी लेयर होती है इसी पतली से लेयर को बच्चे हम सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं कोश का झिल्ली बोलते हैं और ये जो सेल ऑर्गेनल्स हैं ये हमारे छोटे से प्यारे से एक छोटे से लिक्विड मतलब इसके अंदर पाए जाने वाले लिक्विड में पाए जाते हैं और इसी लिक्विड को बच्चे हम सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं साइटोप्लाज्म बोलते हैं और ये देखिए बेटा बीच में पाया जाने वाला भाग है जिसको हम सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं केंद्रक दैट इज न्यूक्लियस लॉजिक क्लियर है तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं अब जितने भी बेटा एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं आपको बता दूं कि आपका बड़ा भाई एक पूरी की पूरी वीडियो है जो लेके यार आपके लिए जिसमें मैं पूरा का पूरा डिस्कस करूंगा आपके सारे सारे प्रॉब्लम्स की सुनवाई करूंगा आपको जो भी समस्या है उनकी हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन पर बेटा कभी कोई दिक्कतों में ना आएगी ना कभी आई है ना कभी आने दूंगा घर भरोसा रखो ठीक है तो हमारी हर एक चीज़ का समाधान मैं करने वाला हूं तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उस बैच की उस बैच की मतलब उस क्लास की जिसमें मैं आपके सारे सारी समाधान का या सारे सारी सोल्यूशंस समाधान करने वाला हूँ सारे सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देने वाला हूँ ठीक है चलो तो टेंशन ना लो पढ़ो आराम से हम मिलेंगे इसी तरह के और भी शानदार वीडियोस में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत राधे राधे और जाने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन वो ये है कि हमारे जो बेटा ऐसे विद्यार्थी जो अभी तक हमारे इस परिवार के सदस्य नहीं बने हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि अब बेटा सिलेक्शन के लिए ना ज्यादा भड़कने की आवश्यकता नहीं है ना भटकने की आवश्यकता है ना ज्यादा भड़कने की आवश्यकता है अब शांत हो जाओ और चुपचाप से तैयारी करो सिलेक्शन की ये सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ बेटा होता है क्वालिटी एजुकेशन के दम पर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर अभी भी तुम यहां पे यूट्यूब के चक्कर में पढ़े रोगे की मैं यूट्यूब से प्रॉपरली नोट्स बना लूंगा तो बेटा सुनो इतना ज्यादा भटकाव मिलने वाला है कि तुम्हें चयन करना पड़ेगा सही बात है अब तुम्हें चुनना पड़ेगा किसी एक को चाहे वह हम हो चाहे कोई और हो लेकिन ये बात मान के चलना साथियों कि पूरे भारत में तुम्हें इससे बेस्ट टीम नहीं मिलने वाली हम तीन हैं और तीन सौ पर भारी हैं। आपको जितना भी चाहिए सिलेक्शन के लिए वो इस परिवार से मिलने वाला है ये गारंटी है तो अभी भी लग जाओ तैयारी में और बढ़िया तरीके से बैचेस में ज्वाइन करो मैं साफ साफ बोलता हूं मैं साफ साफ बोलता हूं बेटा कि बैचेस में ज्वाइन करो कि बैचेस में आने के बाद तुम्हारा फायदा होने वाला है तुम भटकोगे नहीं ये गारंटी मेरी है क्योंकि ये बात मान के चलो कि तुम कहीं ना कहीं पढ़ोगे सिर्फ सस्ती जगह पे पैसा नहीं जाता है समय बर्बाद होता है हो सकता है कोई तुम्हें बेटा चार में कोर्स दे दे पांच में कोर्स बेच दे चार सौ सौ नहीं जाएंगे जब तुम पीछे मुड़ के देखोगे ना तुम्हारे चार से पांच महीने निकल जाएंगे और फिर सोचोगे कि काश उस समय ढंग से पढ़ाई कर ली होती तो आज सिलेक्शन हो चुका होता तो ये सोचने की जिम्मेदारी तुम्हारी है पढ़ाई की जिम्मेदारी तुम्हारी है हम तो तुम्हारे साथ ही हैं जो तुम्हें आगे धकेलने वाले हैं लेकिन मंजिल पर तुम ही जाओगे ये फैक्ट है और यदि आपको साइंस पढ़ना है साथियों तो आप साइंस पढ़िए अगर आपको पूरा कंबाइंड पढ़ना है तो हमारे आरआरबी बैच में जुड़ जाइए क्योंकि अब ये समय नहीं है बर्बाद करने का तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत राधे राधे